मैं अपने शिष्यों से, अपने साधकों से, अपने धर्म योद्धाओं से, अपने चेतनांशों से हर पल ही चाहता हूं कि आपकी ऊर्जा शक्ति सिर्फ और सिर्फ रचनात्मक कार्यों में लगे, ऐसे कार्यों में लगे जिससे समाज का कल्याण हो सके, समाज का हित हो सके। सामान्य दायित्व को लेकर के हम भक्ति मानव कल्याण संगठन को लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे, ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वह परम सत्ता ने अगर हम आप सब लोगों के बीच डाली है तो हमें हर पल अपने आप को बदलना है, तभी हम समाज में एक परिवर्तन डाल पाएंगे। साधक का जीवन जिस विचारधारा को मैं लेकर चलता हूं, उसी विचारधारा की मैं आप लोगों से भी अपेक्षा चाहता हूं कि साधक का हृदय पाषाण के समान कठोर होता है और गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल होता है। आप अगर सच्चे साधक बनना चाहते हो तो अपने अंदर दोनों परिस्थितियों को निर्मित करो कि तुम्हारा विपरीत परिस्थितियों में अनित अन्याय अधर्म के समक्ष पाषाण के समान बन जाए, दृढ़ता ऐसी हो जिसे कोई डिगा न सके, और जब मानवता की रक्षा की बात आए, दूसरे के दुख दर्दों की बात आए, तो आपका हृदय गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल होना चाहिए। वैसा ही जीवन आपका गुरु जीता है, वैसी ही अपेक्षा मैं आपसे करता हूं कि समाज के पास साथ जाकर के अगर सच्चाई ईमानदारी से आपको कार्य करना है तो दोनों परिस्थितियां आपको निर्मित ही करना पड़ेगा। यदि आप कठोरता को लेकर ही बढ़ते चले गए तो समाज के दुख दर्द को आपका हृदय स्पर्श नहीं कर सकेगा, और जब समाज के दुख दर्द को आपका हृदय स्पर्श नहीं कर सकेगा तो आप समाज के लिए कार्य भी नहीं कर सकोगे। अतः समाज के दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानना प्रारंभ करो, मन को एकाग्र करना सीखो। साधक की एकाग्रता और दूरदृष्टि में ही उसका हित और कल्याण छिपा रहता है। हर पल उसे मन की एकाग्रता से जीवन जीना चाहिए। हर कर्म को करने के पहले भविष्य के बारे में चिंतन करना चाहिए कि मेरे कर्म का परिणाम क्या होगा, भविष्य में मुझे किस तरह एक परिवर्तन चाहिए, उसके लिए आज मैं किस प्रकार की तैयारी करूं। वह दृष्टि हमेशा साधक की बनी रहनी चाहिए कि आने वाले भविष्य के लिए समाज किस दिशा में जा रहा है, पतन किस गति से हो रहा है, उस गति को अगर मुझे रोकना है तो वर्तमान में मुझे कितने सजगता का जीवन जीना ही पड़ेगा, चेतनता का जीवन जीना ही पड़ेगा, मन को एकाग्र करना ही पड़ेगा। वर्तमान की हमारी साधना तपस्या पर ही हमारा भविष्य टिका हुआ है। हजारों लाखों लोग आप लोगों की इसी विचारधारा से समाज के बीच बदलते चले जाएंगे। आज इतने कम समय में लाखों लाखों लोग नफे मांफे मुक्त चरित्रवान जीवन जी रहे हैं। यही प्रवाह यदि समय के साथ आगे बढ़ता चला गया तो आने वाले समय में समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना है। उस परिवर्तन के लिए हर पल आपको माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा के चरणों पर प्रार्थना करते रहना है, निवेदन करते रहना है। माँ से कृपा की हर पल आकांक्षा बनी रहे, हमेशा अपने अंदर शिष्यत्व का भाव बना रहे। पूजन स्थान में बैठो तो एकदम अपने आप को शिष्य समान माँ के चरणों में रखो, हृदय को अधिकांश अपने हृदय को एकदम कोमलता के भाव पर रखो। विपरीत परिस्थितियां आने पर, संघर्ष करने पर, अनित अन्याय अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाने पर कठोरता अवश्य लाओ, मगर वह कठोरता ऐसी न हो जो आपके हृदय को सदा सदा के लिए कठोर बना दे। आपका हृदय गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल होना चाहिए और आपका जीवन गुलाब के समान सुगंधित भी होना चाहिए। और उस जीवन को आप सुगंधित तभी कर सकते हो जब आपके सत्कर्मों की पूंजी बढ़ती चली जाएगी, दुष्कर्म आपसे दूर भागते चले जाएंगे, सत्कर्मों का पलड़ा आपका धीरे धीरे भारी होता चला जाएगा, आपकी चेतना तरंगे आपका जो आभा मंडल है पुष्प से एक तुलना कर दी जाती है। हर मनुष्य का एक आभा मंडल होता है, उस आभा मंडल की तरंगे समाज पर प्रभाव डालती हैं। आपके सद्गुण बढ़ते चले जाएंगे, आपके संस्कार बढ़ते चले जाएंगे, आपके जीवन में संतुलन आता चला जाएगा, आपके मन की एकाग्रता आती चली जाएगी, तो आपके आभा मंडल में एक विशेष परिवर्तन आता चला जाता है। नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं सहज भाव से दूर होती चली जाती हैं। आवश्यकता है उस आभा मंडल को प्रकाशित करो।
आजकल छोटे छोटे प्रभावों से लोग प्रभावित हो जाते हैं। जिसका आभामंडल प्रभावक होता है वह दिन रात यदि शमशान में भी लेटा रहे तो कभी किसी चीज़ का प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता।